الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم। इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के प्रॉब्लम नंबर 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि जी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फारेनहाइट है। इस टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर और केल्विन स्केल के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका डाटा देखते हैं, क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें एक चीज़ ही गिवन है, वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो जो कि डिग्री फारेनहाइट स्केल के अंदर है, और वो डिग्री एफ से ज़ाहिर करेंगे वो 98.6 डिग्री है। दूसरी जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल है, और डिग्री सी से इसको ज़ाहिर किया गया है और इसको हमने मालूम करना है। और दूसरा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इसको डिग्री केल्विन से ज़ाहिर किया, डिग्री के से ज़ाहिर किया गया, और ये हमने फाइंड करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में जो यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो सिंपल डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 1/8 डिग्री सेल्सियस का 32। तो यहाँ पे क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करनी है तो ये 32 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 1/8 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये ओवरऑल इन दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस के अंदर फार्मूला मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री फारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर मौजूद है 98.6 डिग्री, और इसको अंदर इस टेम्परेचर को हम ऊपर वाले फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये इसे जब माइनस करेंगे तो ये 66.6 डिग्री आ जाएगा ओवर 1.8, और सिंपल कैलकुलेटर से हम डिवाइड कर लेंगे तो डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी वो 37 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि हमने इस अब टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर। तो केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्जन बहुत आसान है। केल्विन के सिंपल ये है कि हम जो डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारी वैल्यू होती है उसके अंदर 273 पुट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है 37 डिग्री है, इसको हम फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे और सिंपल 37 प्लस 273 इन दोनों को सिंपल क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से जो हमारे पास फाइनल डिग्री केल्विन के अंदर टेम्परेचर आएगा वो 310 डिग्री आ जाएगा, और ये केल्विन स्केल के अंदर हमारी टेम्परेचर की, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार विचर ट्यूटर का विज़िट करें और हमें फीडबैक दें ताकि हम इस किस्म की वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।